नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम अच्छे नोट्स किस किस वेबसाइट की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो मैं वेबसाइट्स का नाम बता दूंगा उसके बाद आप खुद भी बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। कुछ साथी होते हैं जनरली गनू के अंदर जो जॉब वगैरह करते हैं, अगर वो नोट्स नहीं बना पाते तो वो क्या करते हैं, एक रात पहले कुछ उल्टा सीधा पढ़ते हैं और फेल भी हो जाते हैं कई बार, और बहुत खुद को पैनिक कर लेते हैं, क्या करें कहाँ से पढ़े, यूट्यूब पूरा सर्च मार लेते हैं। इससे अच्छा ये है क्या पहले से अगर नोट्स बना सकते हैं, कैपेबल नोट्स बनाए, अदरवाइज फिर किसी अच्छे ऑथेंटिक पर्सन से आप नोट्स परचेज कर लें, और परचेज करने से पहले देख लें नोट्स वगैरह की वीडियोस वगैरह नोट्स किस तरह से हैं। ठीक है, पर मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप खुद नोट्स बनाएं, और फिर वही वाली बात, अगर बहुत से साथी चाहेंगे कि मेरे नोट्स आप लोगों को मिल जाए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, बट वो मैं अभी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं खुद ही। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले फेमस चीज है जो आपको हेल्प करती है इन चीजों में, वो वेबसाइट है स्पार्क नोट्स की। स्पार्क नोट्स की वेबसाइट जो है, जब आप इस पर कोई भी चीज डालोगे सर्चिंग में तो डिटेल में बताती है। वो मैं आपको पूरा एक करके बता भी चुका हूँ पहली वीडियोज में, आपको नोट्स बेसिकली बनाने कैसे हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ इस वाली वीडियो के अंदर कहाँ से हेल्प लेनी है। तो आप स्पार्क नोट से हेल्प ले लोगे, जो फेमस भी है आप लोग जानते भी हो। दूसरा है दोस्तों क्लिफ नोट्स, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्लिप नोट्स। तो क्लिप नोट की वेबसाइट से भी आप बहुत हेल्प ले सकते हैं और बहुत साथी लेते भी हैं। तीसरा जो बहुत कम लोगों को पता, लेकिन पता है, वो ग्रेट सेवर। ग्रेट सेवर से आप की जो ग्रेट सेवर की वेबसाइट है उसकी हेल्प से भी आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है विकिपीडिया। विकिपीडिया सबको पता ही है, विकिपीडिया से भी आप सर्च करके भी बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया कहते हैं ना कि जो पांचवा है वो जो मेरे हिसाब से उससे तो अच्छा कुछ नहीं, अगर आपको पता हो कि उसे पढ़ना कैसे, वो इग्नू के नोट्स। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें बस ये जानना है कि हम उसको पढ़ें कैसे, कैसे उसको हेल्प में लाएं अपने लिए, कि उसमें हम अच्छा लिखें पेपर में जाके और हमें अच्छे नंबर मिले। तो उसको पढ़ना कैसे वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे नोट्स हैं इग्नू के, बस हमें पता होगा पढ़ना कैसे। अदरवाइज हम जब जनरली पढ़ते हैं पहले तो हमें कुछ पता नहीं होता, हमें तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ें तो बहुत फायदे के हैं, और ये सब तो खैर हेल्प करते ही हैं। एक लास्ट वाला जो है वो है शोध गंगा। शोध गंगा कैसी वेबसाइट है, इसके अंदर जो पीएचडी करके जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपनी थीसिस वगैरह डाल देते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये बड़े लेवल पर है तो इसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते अभी एमए वगैरह में, लेकिन ये भी हेल्प कभी मतलब कई बार कर देती है। तो मैंने बताया ग्रेट नोट्स, ग्रेट सेवर, स्पार्क नोट्स, क्लिफ, विकिपीडिया, इग्नू स्टडी मटेरियल एंड शोध गंगा। अब साथ ही बहुत से कह रहे होंगे कि हम तो एन वक्त पे पढ़ेंगे, आप किसी से नोट्स ले लेंगे, अभी हम नोट्स नहीं बनाते, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप बना सकते हैं तो अभी से बनाएं, और अगर किसी के नोट्स अभी मिल जाते हैं तो अभी से पढ़ लें, लेकिन यही है कि अगर नोट्स खुद बनाते हैं तो चीजें याद रहती है ना। असाइनमेंट देने के पीछे भी यही रीजन होता है सभी का, कि आप उसको सही टाइम पे किताबों को खोल के उसको पढ़ लें, लिख के पढ़ लें। और लास्ट में मतलब कि इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स भी नहीं बना सकते, आपका पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, तो आप एक काम मेरे कहने से कर लीजिए, एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप एक पेज दो पेज आप लिखा कीजिए, इससे क्या होगा आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है, और आपका जो ये जो अलग मसल्स है अच्छे काम करेगा। अदरवाइज बहुत दर्द होगा, एक पेपर देते हैं तो दर्द, नेक्स्ट जैसे आप जिम भी जाते होंगे, वॉक पे भी जाते होंगे, दौड़ भी लगाते होंगे, तो पहले दिन दर्द नहीं होता, दूसरे दिन दर्द होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इस वाले सीन में क्या है प्रॉब्लम, कि आप पहले दिन पेपर दोगे तो अगले दिन भी दर्द होगा, कि आपको लगातार पेपर देने होते हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको ना पेपर बहुत बोझ लगने लगेगा, आपको लगेगा छोड़ दूंगी, गिव अप कर दूंगा। अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट है तो चलो प्रैक्टिस में आप होंगे। सो मेरा सजेशन सभी के लिए, लेकिन स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने गैप ले लिया, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कंप्यूटर वगैरह पर रहते हैं, जिनकी राइटिंग का ज्यादा काम नहीं होता, तो आप डेली लिखा कीजिए, आप राइटिंग भी बेटर होती है, लिखने की प्रैक्टिस भी होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको स्पीड से काम करना है, क्योंकि लास्ट में जाकर आपको मैं अपने नोट्स दे ही दूंगा, और अगर फिर भी किसी को भी नोट्स भी चाहिए तो मेरे नंबर है 4995153 75 या 9599030307 03, ठीक है, मेरा नंबर है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर मैं अभी शायद मैं देना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद मेहनत करें, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया, अब बहुत से साथी मुझे कॉल करके बोलते हैं कि हमें ना, क्योंकि तो हमारा बैकग्राउंड नहीं है उसका लिटरेचर का, हमें बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों मैंने वीडियोज बना रखी, काम भी कर रहा हूँ, और आप लोगों से मैं कहता हूँ मेरी वीडियोज को आप थोड़ा शेयर भी कीजिए, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है,
और कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कीजिए, मुझसे पूछिए। अब उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप कहोगे कोई छोटा मोटा कोर्स भी चला देंगे वीडियोस का, 60-70 वीडियोस उन्हें इकट्ठे करके दे देंगे, बट पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। मैं तो नहीं कह रहा आप पैसे खर्च करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर चीज की कीमत होती है। मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे खर्च करें, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप बिना पैसे खर्च करें खुद की मेहनत पर आप चीजें बनाएं। लोग बच्चे मैं देख रहा हूँ असाइनमेंट भी खरीदते हैं, चीजें तो आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप खुद करें। खुद करोगे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, नॉलेज भी आती है। फायदा क्या कि डिग्री तो इकट्ठी कर ली पर आता कुछ नहीं, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। सो मेरा सजेशन ये कि आप इनकी हेल्प से नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बुक है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, छोटी वीडियो बनाता हूँ पर बहुत काम की है। अगर पसंद आए मेरी मेहनत तो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है हम लोगों को, हमारे पास तो किसी ने सब दिया नहीं, हमने बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया, ठीक है। और ऊपर वाले का शुक्रिया आप कीजिए कि आपको हमारे थ्रू वो मदद कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक सोर्स है ना, और हमारे तरफ बहुत सारे लोग सोर्स हैं, कल को आप भी सोर्स बनोगे। सो इसका फायदा उठाइए, ये ठीक है, उसमें ज्यादा कमियां मत निकालिए। जो भी यूट्यूब पर दे रहे हैं अपने हिसाब से बेस्ट दे रहे हैं, आपको चूज करना अच्छा कौन है। मैंने भी यूट्यूब से बहुत हेल्प ली है, बुरा तो कोई भी नहीं होता, अपने हिसाब से सब देते हैं। और लिखना क्या क्या मैंने एक वीडियो में बता दिया गया, नहीं तो आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक होगा। आप अपने नोट्स खुद बनाइए, पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, किताब में कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। और पोएट्री हो, ड्रामा हो, नॉवल हो, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। और बाकी चीजें मैंने ड्रामा में कैसे आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ स्टोरी लिख कर जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत जरूरी नहीं है, समझिए बात को, इंग्लिश का अच्छा नहीं, आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, कितना लिखना है लिमिटेड, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि पेज सिर्फ 25 ही मिलते हैं आपको, और मैं दिखाऊं तो ये 4 की साइज की कॉपी है, नोटबुक है, इसका भी हाफ मिलता है आपको। और अगर ये, हाँ ये नंबर वाली कॉपी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये नंबर वाली कॉपी जो आपको दिखाऊं, लाइन जो है इस लाइन से बड़ी बड़ी लाइन होती है। आप समझ लीजिए कि अगर मैं 2, 1, 2, 3, ठीक है, देखिए ये पहली लाइन लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, तो इन तीन की वो 2 लाइन बना देते हैं, आप समझ लीजिए कितना गैप रहता होगा। तो 25 पेपर हैं, अगर आप उस एक क्वेश्चन के लिए आप मान लीजिए 5, मतलब 5 साइड, 1, 2, समझ रहे ना आप, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट, तो आपके पास बचा ही कितना। आप सोचोगे हम इतना सारा लिख देंगे और फिर लिख तो दोगे फिर पेज ही नहीं बचेंगे, इसलिए अच्छा लिखें, लिमिटेड लिखें, और उनको विद इन टाइम बता दें कि मुझे नॉलेज है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें लिखें, आप समझ रहे हो। यूट्यूब पर आप देखते हैं कि आपको बहुत छोटी वीडियोस मिलती है, लेकिन हम लोग पहले से बहुत मेहनत कर लेते हैं और आपके पास सिर्फ अच्छा मेटेरियल ही लेके आते हैं, इसलिए कई बार मुझे लाइव में पढ़ नहीं पाता। बहुत से लोग लाइव पढ़ाते हैं, मैं लाइव, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि लाइव में बहुत खिचपिच होती है। इट्स बेटर कि मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियो मुझे ज्यादा समझ में आती है, कि जहाँ लाइव 1.5 घंटे चलता है उसमें रिकॉर्डेड में वो आप इसको समझिए बिल्कुल कॉम्पैक्ट करके वो सिर्फ उसको बिल्कुल इतने तरीके से कंडेंस टाइप से करके छोटा कर देते हैं, सारी फालतू चीजें काट देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो बनाता हूँ तो मैं तो एक फ्लो में बना देता हूँ, पर कई बार मेरे मुझसे भी गलत निकल जाता है, सो बाद में सब यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन लाइव में यही दिक्कत है, टाइम बहुत कम है। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है मैं जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक तो पहुंच गई होगी। आप इनके नोट्स बनाइए, टाइम पे बनाइए, लिखते रहिए, मेहनत करिए, नए नए वर्ड्स आपको आएंगे उनको मेमोरीज में रखिए। जिसकी जब मैंने शुरू किया पढ़ना तो प्रोटागोनिस्ट मेरे को नहीं पता था, आप हंसेंगे भी, चलो जो भी था पर मुझे नहीं पता था। मैंने प्रोटागोनिस्ट याद किया, मैंने कहा चलो ये एक टेक्निकल वर्ड है जो बताना पड़ेगा लिखते हुए, टीचर को लगेगा इनको नॉलेज है। उसके बाद एंटी प्रोटागोनिस्ट, जो विलन होता है, देखिए विलन विलन लिखेंगे तो एक समझ लो एक नॉर्मल आप लिख रहे हो, आप एक एक स्टूडेंट नहीं हो एक लिटरेचर के, आप एंटी प्रोटागोनिस्ट लिखोगे तो एक फ्लेवर आएगा, एक अच्छा लगेगा, यू नो। प्रोटागोनिस्ट लिखोगे हीरो, एक अच्छा लगेगा। बाकी चीजें तो है, तो कुछ जो चीजें हैं उनको आप याद कर लो, लिमिटेड चीजें, कोटेशन दोगे तो अच्छा लगेगा, दम है बच्चे में। खाली कहानी लिख दोगे तो फिर और आप में, मतलब के जो आप इंग्लिट इंग्लिट के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो साथी हैं उनको फिर डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा टीचर को। तो आई विश के आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो बड़ी नहीं बनाते, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते जरूर रहिए, ठीक है। बाबा ठीक है।